भाई जगतार सिंह हवारा जी के एडवोकेट ने एडवोकेट गुरशरण सिंह धालीवाल जी थे उन्होंने गलबात करते हैं पूरा मामला की है आखिर पहला जो फैसला आया वो की यह जी चीज़ सी उन्होंने बरी कर दिता। देखो जगतार सिंह हवारा जी के कुल 36 केस सी जिन्हों चो 32 खत्म हो चुके थे 4 केस पेंडिंग सके 2 केस 2005 के सके 2 केस 1998 के सके जिहड़ा केस खत्म होया 2005 का सीगा ठीक है 187 नंबर FIR सो ये आर्म्स एक्ट ते एक्सपोजिव एक्ट के तहत इन्हों रख्या गया सीगा इन्हां ते ये रख्या गया सीगा कि RDX देश विच शामिल सीगे जिहड़ी गवाही दे तार ते सुखदेव सिंह नाम का शख्सी है जिन्हें गवाही दित्ती सीगी कि इन्हां नूं मैं आपदी अखी देखिया 161 दे बयान दित्ते गए सीगे सो लेटर ऑन जो उन्होंने दोबारा 164 के बयान होए उन्होंने ये मुकर के दोबारा गवाही हुई है कि मैं नहीं देखा मैं जगतार सिंह हवारा जानता ही नहीं गा सो जो केस ही झूठा सीगा 2005 का केस ही जिहड़ा पिया सीगा सो जो केस झूठा जो होया एंड ऑफ द डे जो अज जो आप कह सकते हैं कि 18 साल बाद जो फैसला होया एक आप बड़ी वड्डी जिहड़ी चीज़ देखने वाली है कि जो दा मोर्चा लगा मोर्चे दे एक प्रैशर क्रिएट किया प्रैशर क्रिएट होने नाल अदालतों च गल सुननी शुरू हुई जिहड़े केस तुहाडे इत्थों तक कदी खबरां सुनिया होनियां तुहाडे भी नॉलेज होना है कि इत्थों तक हाई कोर्ट ने कह दिता कि फाइलां जिहड़ियां उत्थे पहुँच गईयां गवाच चुकियां ने जगतार सिंह हवारा दीयां उह लभण तक अज वेख लो 18 साल लग गए ने एक मोर्चा लाउणा पै रिहा अज उह केस एंड ऑफ द खत्म होए ने एक केस जिहड़ा हुण फैसला आया उहदे च उहनां नूं बरी कर दिता गया है उह च गवाही सीगी जिहड़ी उह मुकर गई है सो अगले केस जिहड़े पेंडिंग ने उह एक दा डिसीजन 30 तरीक नूं आ जिहड़े किहड़े किहड़े केस ने उह भी 144 नंबर FIR 17 दी आ इह 36 थाने दी सीगी उह 17 थाने दी आ दो केस जिहड़े मोहाली दे ने इक सुहाणा साहिब दा ते इक खरड़ दा उह दो केस जिहड़े आ 4 तरीक दे आ उन्हां च भी सेम यही ने आर्म्स एक्ट ते एक्सपोज एक्ट दे विच 120B दे ये बाकी धारावां लगियां होईयां सो वह जिहड़े केस वह भी डिसीजन ते ने उह च एक च गवाहियां हो रहियां ने एक च शायद बैकग्राउंड वापस लिया जावे केस ते इस करके जल्दी जल्दी यह उम्मीद आ कि अगले महीने डेढ़ महीने तक सारे खत्म हो जाणगे केस ते जिवें सरकारी कानूनी अड़चन हमेशा ही रहिंदी है ते अक्सर यह भी कहा जांदा है कि निर्दोष बंदे नूं सज़ा दित्ती जा रही है अदालतों की इफेक्ट मिल रहा है। देखो ये चीज़ हमेशा सोचने वाली है कि लोग सब तो वड्डा जिहड़ा भरोसा एक सीगा वह अदालतों पर रहिंदा हुंदा सीगा कि लोग कहिंदे हुंदे कि तुहानूं मैं जा कोर्ट च देख लांगे अज इन्हां चीज़ां नूं जे गौर किया जाए तो 1998 का केस है अज ज़्यादा नहीं तो उसनूं 25-26 साल हो गए 26 साल तक वह केस बंद रहा उत्ते कार्रवाई नहीं हुई जिहड़े जिन्नी उन्हां दी सज़ा बनदी सीगी जे उस केस च 7 साल की सज़ा बनदी सी 7 साल तो ज़्यादा तो वैसे उम्र कट गए 28 साल तो जेलां च ने कैद उन्हां दी पूरी हो चुकी है केस एक पेंडिंग रखण दा सिर्फ ते सिर्फ एक ही कारण सीगा तां कि उन्हां दे केस खत्म ना होण ते ओह गां अगला जिहड़ा प्रोसीडिंग्स ने उहनूं फॉलोअप ना कर सकन तां कि ना तो बेल ते आ सकन ना उह परोल लै सकन जो भी इस चीज़ की जो गल होंगी सी तो एक कोर्ट के गल आ जाती कि इन्हों केस पेंडिंग ने जी सो वह केस पेंडिंग होने कारण ही उन्होंने अगली प्रोसीडिंग भी शुरू होनी हो सकती सी सो हूँ जो केस खत्म हो जाएंगे तो नैक्सट स्टैप लिया जाऊगा उन्होंने परोल की गल शुरू होगी तो अगे रिहाई की भी गल शुरू हो सकती है। धालीवाल साहब तुम कानूनी माहिर हो तो सवाल इतने एक चीज़ है कि जो बंदा पूरी सज़ा दे टाइम भी कट लैंदा तो उसनू इंसाफ नहीं मिलता वो बरी नहीं होंदा ते इहदे विच भी कोई ना कोई कानूनी दा होना कि जो कि उस बंदे नूं इंसाफ मिल सके। देखो जे कानून दे हिसाब नाल चलीए तो हरेक स्टेट का आपो अपना लॉ है एक हुण दो मैं एग्जाम्पल देना तुहानूं एक बिहार दे विच पिछे जे एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जिन्हें 16 साल तो उपर जिहड़े कैदी ने उन्हां नूं बाहर कढ दित्ता जावे एक वो एग्जाम्पल है उन्होंने 16 साल के जिहड़ा CGM नूं ये ऑर्डर होया कि जिन्हें भी जाने तुसीं बुला के उन्होंने परिवारिक नूं बुलवा के जां रिपोर्ट मंगा के जिन्हें जेलां च बंद ने 16 साल तो ते उन्हां नूं बाहर कढ़िया जावे उन्हां दी उम्र कैद पूरी हो चुकी है सो इहदा मतलब कि उत्थे 16 साल डिफाइन कीती गई कि 16 साल उम्र कैद आ। दूसरी साइड ये आपां एक हरियाणे दी एग्जाम्पल लैने आ साध बाबा जिहड़ा साध आ सरसे वाला साध आ उहदी परोल लग रही सी बार बार परोल लग रही सीगियां
ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੋਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਪਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਖ ਰੱਖ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।